एक इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को, क्योंकि आईएसआईएस के जिसने इतना बड़ा ब्लास्ट अंजाम दिया, इतने सारे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, वो पनपा पला बढ़ा हुआ पाकिस्तान का बड़ा किया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान का रोल क्या है, वो किसकी तरफ है, किसके साथ है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आप ये जो नारे बनाए हैं पाकिस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, इसका कोई हकीकत ही नहीं, नतीजा भी नहीं है। दूसरा ये है कि हमने उधर ये जो काबल इदारे ने एडमिनिस्ट्रेशन में अशरफ गनी जो सरबरा था काबल इदारे के, जो उन्होंने क्यों अबंडन किया, प्रेसिडेंट को अबंडन किया, सब ऑफिस को अबंडन किया, जुमले के अकाउंट थे उसको अबंडन किया, उसके नतीजे में जो आई एस के मेम्बर थे वो जज थे वो सब रिहा हो चुके। हम चाहते थे उसको बातचीत के लिए मुंतजर थे, उससे रब्ता करके वो पीसफुल ट्रांसफर करें, ताकि ये सब चीज हमारी पूरी फोर्सेज के चार्ज ना जाए और कोई भी ऐसा लॉ ऑर्डर का सिचुएशन म्यांमार ना आ जाए, युद्ध ना आ जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा जो छोड़ दिया सबको, उनके नतीजे में ये प्रेसिडेंट भी रिहा हो गए और ब्लंडरिंग भी वाक़ हुए और बहुत सी मुश्किल सामने आए, फिर हमारी फोर्सेज आए बीच में इधर हुए काबिल सिटी काबिल सिटी में और ये सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल किया। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन पर है, उन पर जो काबिल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे उसके सरबरा था उन पर है। ISIS के को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है ये वर्ल्ड ओवर, कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है इंक्लूडिंग इंडिया, कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। ISIS के को लेकर आपका नजरिया क्या है और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों? हमारी पॉलिसी वाजे है, सबको हमने बताया है, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें, ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाजे तौर पर कहा भी है और कई टीवी स्टेशन और मीडिया आउटलेट के जरिए कहा है और अभी फिर भी कह रहा हूँ। आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी तभी आपने इस बात को कहा था, आज आप रिटरेट कर रहे हैं, अगर आप इसको और स्पष्ट कर दें, क्योंकि कुछ आवाजें उठी पड़ोस के मुल्क में जहां ये कहा गया कि तालिबान अब कश्मीर को पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर देगा, अगर आप इसको फिर से स्पष्ट कर दें तो अगर कोई एम्बिग्विटी है कहीं किसी के दिमाग में तो क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि हम अफगानिस्तान में ये पॉलिसी है, समय से किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करें, हम फोकस करेंगे कि अफगानिस्तान की तामीर न होकर और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इक्तिसादी और मईशत को बेहतर बनाने पर और अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग पर पीस को बिल्ड करें और ये पर कि हम अफगान अवाम आपस में नेशनल यूनिटी को जिसको बिल्ड भी करें और सस्टेन भी करें, तो ये हमारी प्रायोरिटी है अफगानिस्तान में। इंडिया में कंसर्न और है सुहेल साहिन, इंडिया में मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है, मुंबई का ट्रेडेड अटैक को, पार्लियामेंट का अटैक को आप जानते हैं, पूरी पूरा ट्रेल जानते हैं आप, वहाँ मुल्ला बरादर से मसूद अजहर की मुलाकात की खबरें भी हैं हिंदुस्तान में, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने नहीं सुना है कि ये खबरें जो आपके पहुंच गए, मैंने बिल्कुल ये समय ही सुना है। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल साहिब? मैंने आपको बताया कि हम जिसको इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है जिधर भी हो, कश्मीर में हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरी किसी दूसरे जगह ऑपरेशन करें ये हमारी पॉलिसी है। हाँ, क्योंकि आपने चाइना के संदर्भ में कहा था, चाइना के रिलेशन में, कि उइगर मुसलमानों का मसला उनका अपना मसला है, उनका इंटरनल मैटर है। हमने उधर भी ऐसा कहा था कि वो उनकी सिटीजन है, सिटीजन से वो उसका जैसे दूसरे उसके सिटीजन है ऐसा उनका भी हक है, जो भी सिटीजनशिप का हक है वो कानून में सबको हक होना चाहिए, तो ये हमारी पॉलिसी है। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है वेपन्स का, एम्युनिशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करें? हमारी पॉलिसी है अगर हमारे कम हो असलहा और ज्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वादे किया ऐसा, तो आपके पास भी बहुत ज्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा है और हर साल बिलियन के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो इस असलहे खरीदने पर, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप कम वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है, ये तो हम हमारी पारी में आजिदा ही नहीं है, तो ये गलत, ये भी एक प्रोपागंडा है और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, सस्पेशन क्रिएट करने के लिए, कुछ हरकत नहीं है।